हाई एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल एट आस्था प्रकाश डिफेंस अकेडमी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 14 मार्च 2019 से इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम जो है वो होने वाले हैं एंड 17 मार्च तक ये एग्ज़ाम चलेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो वाई ग्रुप वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि जो नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए रागा में मैथमेटिकल पार्ट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कौन कौन से चैप्टर्स सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि रागा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है मैथमेटिकल पार्ट, एक है रीजनिंग पार्ट और एक है जनरल अवेयरनेस पार्ट। तो अब आप सोचेंगे टोटल ये 30 मार्क्स का आता है, तो शायद ऐसा होता हो कि 10 मार्क्स की आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, रीजनिंग भी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी एंड जनरल अवेयरनेस भी 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि आपसे 10 मार्क्स की तीनों चीज़ें पूछी जाए, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के ही आए या 10 ही 10 रीजनिंग के आए, वेरी करता है। कभी किसी का 8 भी हो सकता है, किसी का 12 भी हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके सामने मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस करूँगी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो 100% जो आते हैं आपके मैथमेटिकल पार्ट में, वो सारे चैप्टर्स, वो सारे टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करूँगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैथमेटिकल पार्ट की, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड फ्रैक्शन। देखिए दोस्तों, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपका 100% आता है, या सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या तो फिर दोनों से ही एक एक क्वेश्चन आपका आएगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों से ही आए या एक से ही आए, डिपेंड करता है, लेकिन ये टॉपिक आएंगे ज़रूर, ये तय है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो मोस्टली 8 मार्क्स का या 12 मार्क्स का आता है, इससे ज़्यादा मार्क्स का नहीं पूछा जाता। तो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स भी मैं बता रही हूँ, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 1 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप इस सर्विसेज की तैयारी करते हैं। देन अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ एंड एवरेज, ये तीनों टॉपिक में से एक कोई टॉपिक का एक क्वेश्चन 100% आएगा। तीनों भी आ सकते हैं या दोनों भी आ सकते हैं, बट मिनिमम इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। देन आगे चलते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस एंड एजेस। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट जो क्वेश्चन आया था वो दोनों से ही आया था। अब देखिए, 2018 में परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एजेस से भी क्वेश्चन पूछा गया था। एंड 2017 का अगर हम पेपर देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था एंड एजेस से क्वेश्चन आया था। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो तीनों में से ही एक एक क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर सिर्फ एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। तो ये तीनों टॉपिक आपको करने ही करने हैं दोस्तों, ये टॉपिक आपको छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है इस चैप्टर में से। देन इसके बाद हम बात करते हैं टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड डिस्टेंस की, टाइम एंड स्पीड की। अब इन तीनों टॉपिक में से एक कोई क्वेश्चन आ सकता है, तीनों भी पूछे जा सकते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ कि तीनों भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन 3 में से 1 क्वेश्चन 100% आपका आता ही आता है। पिछली बार टाइम एंड स्पीड में से आया था और टाइम एंड वर्क में से आया था, 2 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे, और इस बार भी शायद यही पूछे जाएं, बट आपको तीनों ही तीनों करने हैं। 100% आपका एक क्वेश्चन इसमें आएगा ही आएगा। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में भी इन्वॉल्व होता है एंड मैथमेटिक्स में भी इन्वॉल्व होता है, वो है सीरीज। ठीक है, ये आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाती हैं, या रीजनिंग में पूछा जाएगा, या आप उसको रीजनिंग में ले लीजिए या तो फिर मैथमेटिक्स में भी ले लीजिए। दोनों में ही सीरीज का जो टॉपिक है वो कवर अप होता है। 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, सीरीज से आपके आएंगे ही आएंगे। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रागा में मैथमेटिकल पार्ट के। अगर सिर्फ आप इतने ही टॉपिक को करके चले जाते हैं तो ईजिली आपके 8 मार्क्स पक्के हैं। मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप इतने टॉपिक पढ़ के चले जाइए, आपके 8 मार्क्स ईजिली मैथमेटिकल पार्ट में रागा में आ जाएंगे। देन अगर मैं आगे बात करूं जो कि सिलेबस में तो आपके हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाते हैं, जैसे कि मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में आपका एरिया, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वॉल्यूम, क्यूब, सिलेंडर, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में तो हैं लेकिन ज़्यादातर ये 1 मार्क्स की ही पूछी जाती है और बहुत ही कम पूछी जाती है।
मेरे ख्याल से तो अभी शायद एक या दो बार ही इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से मेंसुरेशन में से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, लेकिन ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें या ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हाँ, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये दोनों चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक लिस्ट प्रेजेंट करती हूँ जिसमें आपके दोनों इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बनाई गई है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जैसे। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, क्या है आपके, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रपोजिशन, LCM एंड HCF, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एजेस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड एंड सीरीज। तो स्टूडेंट, ये आपके मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके मैथमेटिकल पार्ट के लिए। मैं फिर से ये बोल रही हूँ कि अगर आप सिर्फ इतना पढ़ के चले जाते हैं तो आपके 8 marks ईजिली आ सकते हैं। देन उसके बाद जो लेस इम्पॉर्टेंट है वो है आपका मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल ट्रिग्नोमेट्री को हम ज़्यादा इतना ज़्यादा लेस इम्पॉर्टेंट नहीं कह सकते, आपको ये छोड़ना नहीं है। हाँ, मेंसुरेशन आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर आप इसको भी कवर अप करिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी एंड सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट लगी हो तो एक बार इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और ऐसी ही सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले डिफेंस से रिलेटेड। और जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उसके बारे में अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। So thank you so very much for watching this video and have a nice day.